गाइज, अक्सर आपने कुछ बड़े यूट्यूबर्स को बहुत ही डरावने गेम्स खेलते हुए देखा होगा, जैसे कि आउटलास्ट, पेसिफाई, रेजिडेंट एविल एंड और भी बहुत सारे। ये सभी सर्वाइवल हॉरर गेम्स खेलते हैं जहां हमें डार्क एनवायरनमेंट में लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ सर्वाइव करना होता है। वैसे ऐसे जो गेम्स होते हैं ना गाइज, वो मोस्टली पीसी एंड कंसोल पे ही अवेलेबल होते हैं। बट डोंट वरी, क्योंकि आज मैं आपके लिए लाया हूं 10 ऐसे सर्वाइवल हॉरर गेम्स जो कि आप अपने फोन में भी खेल सकते हो, वो भी ऑफलाइन। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही तगड़े गेम के बारे में बताना चाहता हूं, जो है असेंबल लैंड्स। तो जो असेंबल लैंड्स है ना, वो एक बहुत ही यूनिक स्टाइल का सिमुलेशन गेम है जहां पर आपको स्क्रैच से अपनी फैक्ट्री बिल्ड करनी होती है एंड आपको अपनी फैक्ट्री में डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं एंड उन्हें सेल करके प्रॉफिट भी कमाना होता है। गेम में आपको हंड्रेड्स ऑफ स्पेयर पार्ट्स भी मिलेंगे जिससे आप डिफरेंट गैजेट्स बना सकते हो, जैसे ड्रोन्स, पीसी एंड और भी बहुत कुछ। बेसिकली गेम में आपको अपनी कंपनी बनाकर उससे प्रॉफिट जनरेट करना है एंड अपनी कंपनी को ग्रो भी करना है। गेम में आप एक दूसरे प्लेयर से कम्पीट भी कर सकते हो एंड अपने सिस्टम को ऑटोमेट भी कर सकते हो। सो गेम काफी मस्त है, जो मुझे तो पर्सनली काफी बढ़िया लगा। बाकी आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसे फ्री में खेल सकते हो। खैर चलो, अब शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी बकलोली के। नंबर 10, हेलो नेबर। गाइज, अगर आपने भी ग्रैनी या एविल नन जैसे गेम्स खेले होंगे तो मैं बता दूं कि ये सभी गेम्स हेलो नेबर की कॉपी है, या आप चाहो तो इन्हें इंस्पायर्ड गेम्स भी बोल सकते हो। बाकी हेलो नेबर के कार्टूनिस्ट ग्राफिक्स होने के बावजूद भी आपको ये गेम काफी तगड़ा हॉरर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाएगा। इस गेम में हम अपने नेबर के घर में घुसते हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ मिस्टीरियस चीजें हो रही है। अब हमें वहाँ के बेसमेंट तक पहुँचना है, वहाँ के मिस्ट्री को सोल्व करना है एंड यहाँ के डरावने नेबर से भी बचना है। गेम काफी तगड़ा है, एक बार जरूर से ट्राई करना। बाकी चलो मूव करते हैं नंबर 9 की तरफ, जो कि है लिटिल नाइटमेयर्स। तो ये एक एडवेंचर गेम है जहां आप 6 नाम के कैरेक्टर के रूप में खेलते हो, जो कि एक बड़े से जहाज में फंस गया है। पता नहीं क्यों, लेकिन फंस गया है। अब गेम में लॉजिक लगाने बैठोगे तो कैसे चलेगा। खैर, आपको इस गेम में डार्क कॉरिडोर से होते हुए और इंसानों के फ्लैश खाने वाले मॉन्स्टर से बचते हुए इस भयानक जगह से एस्केप मारना है और यहाँ के हिडन सीक्रेट्स का भी पता लगाना है। सो इन माई ओपिनियन ये गेम बहुत ही जोरदार है, जिसे आपको पक्के से ट्राई करना चाहिए। नंबर 8, फॉरगॉटन मेमोरीज। फॉरगॉटन मेमोरीज एक सर्वाइवल हॉरर गेम है जहां आप एक डिटेक्टिव का रोल प्ले करते हो, जो कि एक मिसिंग चाइल्ड एडन की तलाश करते टाइम खुद को एक क्रीपी मैंशन में पाती है। अब यहां आपको डिफरेंट चैम्बर्स को इन्वेस्टिगेट करना है, यहां के डार्क सीक्रेट्स का पता लगाना है और अपना टास्क भी कंप्लीट करना है। सो अगर आपको भी हॉरर में कुछ एडवेंचर चाहिए तो इस गेम को तो पक्के से ट्राई करना। नंबर 7, एस्केप From Dark Redux। Guys, अगर आपने Silent Hill 2 या Old Resident Evil गेम खेला होगा तो वैसा ही कुछ आप इस गेम को अपने फोन में खेलकर एक्सपीरियंस कर सकते हो। गेम में आप जॉन काउवर्स के रूप में खेलते हो, जो कि काफी लंबे टाइम बाद अपने होम टाउन लौटता है, बट रास्ते में उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिससे कि उसकी पूरी लाइफ अपसाइड डाउन हो जाती है एंड उसके साथ क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये गेम खेलना ही पड़ेगा। नंबर 6, रिटर्न टू द प्लैनेट एक्स। सपोज आप एक साइंटिस्ट हो जो कि स्पेस में किसी अननोन प्लेनेट पे रिसर्च करने के लिए जाता है एंड आपका प्लेन वहां क्रैश हो जाता है, और तो और आपका सामना खतरनाक एलियन स्पेसीज से भी होगा। सो अब बताओ, अब आप क्या करोगे। अरे डोंट वरी, ये सब आपको गेम में करना है, रियल में नहीं। खैर, गेम में आपको डिफरेंट तरह के वेपन्स एंड इक्विपमेंट भी मिलते हैं, बट विद लिमिटेड एमो, जो इसे एक बहुत ही तगड़ा सर्वाइवल हॉरर गेम बनाता है। नंबर 5, द स्कूल वाइट डे। ये एक कोरियन हॉरर गेम है जो 2001 के पीसी गेम द वाइट डे का रीमेक है। इस गेम में आप ही मिन के रूप में खेलते हो, जो कि एक न्यू स्कूल में पढ़ने आई है, बट नाइट में समहाउ वो इस स्कूल में ट्रैप हो जाती है एंड ये स्कूल भी कोई ऐसा वैसा स्कूल नहीं है, बल्कि एक हॉन्टेड स्कूल है जहां डिफरेंट मॉन्स्टर्स का राज है। नाउ अब आपको इस स्कूल से एस्केप करना है और खुद को इन दरिंदों के हाथों में पढ़ने से भी बचाना है। सो गेम काफी मस्त है, जिसे ट्राई करना तो बनता ही है। नाउ लिस्ट में और आगे बढ़ने से पहले इट्स टाइम फॉर टुडेज गेमिंग क्वेश्चन। सो आज के गेमिंग क्वेश्चन में आपको बताना है कि GTA 5 में टोटल कितने प्रोटैगनिस्ट हैं? तो जल्दी से जल्दी अपने हाथ चलाओ और तब तक मैं भी बढ़ता हूँ अपनी लिस्ट के नेक्स्ट गेम की तरफ, जो कि है लॉस्ट विदिन। लॉस्ट विदिन एक सर्वाइवल हॉरर गेम है जहाँ आप एक मेंटल हॉस्पिटल में अपने दिमाग का इलाज करवाने जाते हो, बट वहाँ पहुंचकर आप पाते हो कि यहाँ तो भूत प्रेतों का राज है। नाउ अब आपको यहाँ पर चल रही खतरनाक साजिश का पर्दाफाश करना है एंड न्यू वेपन्स क्राफ्ट करने हैं एंड यहाँ से एस्केप भी मारना है। सो गेम काफी खतरनाक है, जिसे कमजोर दिल वाले तो बिल्कुल भी ना खेलें।
नंबर 3 इंडिगो लैग। इंडिगो लैग अपने टाइम का बहुत ही भयानक हॉरर गेम था जो अपने हॉरर एलिमेंट्स के चलते प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर से रिमूव हो गया था। खैर, गेम में आप खुद को एक वीरान आइलैंड पर पाते हो एंड यहां आपको चल रही खतरनाक घटनाओं का पता लगाना है। इस गेम में आपका सामना एक विचित्र आत्मा से होगा। नव आपको उस आत्मा से बचना है, खुद को बचाना है, यहाँ के मिस्ट्री भी सोल्व करनी है और उस आत्मा की मुक्ति के लिए आपको डिफरेंट आइटम्स भी कलेक्ट करने हैं। तो गेम काफी बढ़िया है, आप इसको अपने पुराने से पुराने स्मार्टफोन में भी आराम से चला सकते हो। नंबर 2 सर्वाइवल मॉल सीज। सर्वाइवल मॉल सीज एक इंटेलेक्चुअल हॉरर गेम है जहां आप एक अबैंडन मॉल में फंस गए हो। नाउ यहां से एस्केप करने के लिए आपको 3 डिफरेंट कीज को फाइंड करना होगा जो मॉल में कहीं छुपी हुई है। बट इस टास्क को कम्प्लीट करना इट्स नॉट दैट ईजी बिकॉज यहाँ आपका सामना एक भूत से होगा जो की आपकी जरासी आहट पे भी आपको खत्म कर सकता है। सो आपको ये पूरा गेम स्टेल्थी यानी कि बिना आवाज किए हुए खेलना है और यहाँ से एस्केप भी मारना है। चलो मूव करते हैं आज के सबसे बढ़िया गेम मतलब कि नंबर 1 गेम की तरफ जो कि है एलियन आइसोलेशन। सो जो भाई लोग पीसी गेमिंग करते हैं वो तो जानते ही होंगे कि एलियन आइसोलेशन क्या चीज है। ये पीसी का अब तक का सबसे बेस्ट हॉरर गेम में से एक है जो कि अब मोबाइल पर भी उपलब्ध है। सो इस गेम में आप अमांडा के रूप में खेलते हो जो अपनी खोई हुई माँ की तलाश में एक स्पेस स्टेशन में पहुंचती है। बट वहाँ होता क्या है कि खतरनाक एलियन आ धमकता है। नाउ अब आपको वहाँ के रिसोर्सेज को यूज करके एंड एलियन से बचते बचाते अपनी माँ को ढूंढना है, यहाँ की गुत्थी भी सोल्व करनी है एंड अपनी माँ को साथ लेकर यहाँ से एस्केप भी मारना है। बट ओनली इफ सी इज स्टिल अलाइव। सो गेम तो काफी बढ़िया है बट इसमें जंप स्केयर्स भरे पड़े हैं। सो अगर आप भी बड़े जिगरे वाले इंसान हो तब तो इस गेम को पक्के से ट्राई करना और नहीं हो तब तो प्ले इट ऑन योर ओन रिस्क। ओके गाइस, तो इसी के साथ आज के वीडियो यही एंड होता है। बट जाने से पहले स्क्रीन पे दिख रही इस वीडियो को भी चेकआउट जरूर कर लेना एंड आई स्वेयर इस वीडियो में भी आपको मस्त मस्त गेम्स देखने को मिलेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।